यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो हमारा ये इंट्रो कहीं सुना सुना लग रहा है वैसे। सो यो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम करने वाले हैं सेटअप टू वीडियो। यस, जैसा कि तुमने टाइटल पढ़ लिया था और अपने तुम्हें थोड़ा कैमरा शेक दिख रहा होगा, तो तुम समझ सकते हो मैंने मम्मी का फोन थाप के वीडियो रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करी है। तो अभी देखते हैं वीडियो के अंदर आज करने वाले सेटअप का रिव्यू। और तुम लोगों को आखिर में कुछ स्पेशल थैंक यू भी कहना है, तो वीडियो को एंड तक देखना तो कतई मत भूलना। और बैकग्राउंड में तुम्हें कुछ ओपी ओपी गाने सुनने को मिल रहे होंगे। यस, वो ध्यान से सुनना उन गानों को। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इस बेड की ओर। अब तुम हर वीडियो में देख ही लेते हैं इस बेड को। ये बेड पे सोता नहीं हूँ मैं, बस ऐसे ही है। और कोने कोने में मत देखना क्या पड़ा है, और अभी दिखाता हूँ तुम्हें। सोचा ये देखो, ये है डबल डेकर बेड शीट, देखी नहीं होगी जिंदगी। भाई ने रिकमेंड किया कि दूसरी बेड शीट लगा, वो बकवास लगती है, तो मैंने ये वाली लगवा दी। हालांकि मेरे पास बेड शीट थी भी नहीं, मैं धाप के लाया हूँ। अब ये भी थोड़ी छोटी पट रही है, जो यू कैन जस्ट इग्नोर दिस। मतलब पैसा नहीं है मेरे पास, गरीबी छाई हुई है। और इग्नोर करो कोने को, तुम इग्नोर करो। सेटअप की ओर धीरे धीरे पड़ रहे हैं। रुको रुको, अभी नहीं पड़ेंगे, इंतजार करो, थोड़ा सा सब्र करो यार। मुझे पता अब तुमसे रुका नहीं जा रहा, तो मैं दिखा देता हूँ। वो देखो मटका। नहीं, मेरे लिटरली कभी कभी समझ में नहीं आती मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा क्यों मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। नया गिटार भी लेना पड़ेगा यार, गरीबी बहुत सारी, पैसा नहीं है, गरीब होना। नहीं मैं ठीक हूँ वैसे, नहीं वैसे पापा ने दिलाया, मैं गरीब हूँ। या मैं फाइनली गरीब। तो मेरे को वीडियो थोड़ी जल्दी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैं जैसे पता है कि मम्मी का फोन धाप के लेके आया, और मम्मी नीचे रुक के मारे कि बेटा मेरा फोन कहाँ है। अब जैसे उनकी चप्पल उड़ के आएगी ना, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, दीवार बंद है, दीवार नहीं गेट बंद है, मेरे शब्द बौखला रहे। लेकिन वो जो चप्पल आएगी ना भाई, वो 360 मारते हुए लो ऑफ मोशन, लो ऑफ ग्रेविटी का कबाड़ करते हुए यहाँ तक पहुँच के मेरे हेड पे लगेगी, वो भी राइट फ्लैंक मारते हुए। तुम सोच भी नहीं सकते कैसे, लेकिन लगेगी। जिन लोगों ने मेरी वीडियो देख रखी है ना, उनको मेरी आवाज में फर्क लग रहा होगा। नहीं, जिनने लिटरली मेरी वीडियो चाट चाट के पूरी देख रखी है ना, उनको पता लग रहा होगा कि वीडियो में फर्क है, आवाज में फर्क है। तो मैं बता देता हूँ वो फर्क इस फर्क के कारण है। वो मेरी आवाज इससे रिकॉर्ड होती थी, लेकिन अब मेरी आवाज इस फोन के माइक्रोफोन से हो रही है, तो इसलिए आवाज में फर्क पड़ रहा होगा, तुम्हें देखने को मिल रहा है, मुझे पता है। अब तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ही लो, अब क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कॉम्प्रोमाइज होएगा? अब तो कहोगे ये यूट्यूब नहीं यूट्यूब है। अरे कहाँ से अंग्रेजी पढ़ के आए हो तुम लोग? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जाना चाहिए था टर्मिनाटो पब्लिक स्कूल के अंदर। जिस हिसाब से मैंने टर्मिनाटो स्कूल की अभी पब्लिसिटी करी है ना, ऐसा दिन कम नहीं कि तुम्हें रोड रोलर दिख जाए, टर्मिनाटो सड़क कंस्ट्रक्शन, टर्मिनाटो उड़ते हुए कबूतर, टर्मिनेटो संडास टॉयलेट कंपनी दिख जाएंगे ऐसे। मतलब जिस हिसाब से मैं प्रमोशन में लगा हुआ हूँ ना भाई, कुत्ते हगते मिल जाएंगे, टर्मिनेटो कुत्ता हगू कंपनी सब चलता है। लोग बेसिकली अपनी मर्चेंडाइज के अंदर कपड़े लॉन्च करते हैं, मैं करूंगा चड्डे बनियान, टर्मिनेटो चड्डी। मतलब टी शर्ट पहन के मत घूमना, तू चड्डिया पहन के घूमना टर्मिनेटो, कोई घड़ी चोड़ माए तो ज्यादा हो रहा है। फैमिली फ्रेंडली कंटेंट नूब। तो यहाँ पे हमने चड्डियों का प्लान कैंसिल कर दिया। तुम सोच रहे हो कि इतनी लंबी चल रही है वीडियो, सेटअप कब दिखेगा? तो भाई लंबी खींचनी पड़ती है तुम्हें, तुम्हें पता है। अब धीरे धीरे बढ़ने वाले हम सेटअप की ओर। इतने वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अरे सब्सक्राइब कर दो यार। हाँ, मैं लास्ट के अंदर तुम्हें थैंक यू कहना है बहुत बड़ा, तो रुके रहना यहाँ पे। और अभी चलते अपने कुछ भैड़ा एक नंबर सेटअप की ओर, जिसकी कीमत देख के बौखलाने वाले हो तुम। मटके को इग्नोर करते हैं, बढ़ रहे। ये हमारा सेटअप। अब तुम सोच रहे हो कि कोने में ऐसे क्यों पड़ा जाड़ा जुड़ो के बीच में? वो जाड़े मैंने मकड़ी को रेंट पे दे रखे, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, वहां से मेरे को हफ्ता आता है, तो उनको इग्नोर करो। अब तुम सोच रहे हो कि सेटअप बंद क्यों है, पैक क्यों है? तो भाई ये इतना महंगा आ जा रहे, इतना महंगा सेटअप है ना, कसम से अगर मैंने इसको सेटअप कर दिया अपने ओरिजिनल सेटअप के साथ में, तो भाई गेमिंग इंडस्ट्री का नाश हो जाएगा। और यहाँ ग्रीन स्क्रीन दिख रही है, इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, व्हाइट स्क्रीन को भी इग्नोर कर सकते हो, पहले बता रहा हूँ। कहीं कोई सा ध्यान दे सेटअप पे, ध्यान दो सेटअप पे। काम करते हैं ना, इस सेटअप को थोड़ा सा घसीट के लेके निकाल के आते हैं, यहाँ से जंप मरवाते हुए बेड के ऊपर घसीटते हुए हम सेटअप को ला रहे हैं। ज़ेब्रोनिक्स दिख रहा होगा तुम्हें, इसको नहीं, ये नहीं है, इस पे है एंटी मैटर स्पोर्ट्स का सबसे भयंकर कैबिनेट है इसके अंदर। बस अभी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। वैसे मैंने छुपा के रख रखा है, ऐसे ना पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो वाला सीन है। अभी दिखाने वाले हैं तुम्हें जिंदगी का सबसे महंगा सेटअप, पूरे यूट्यूब कंपनी में इसके पास नहीं होगा ऐसा सेटअप। तो देवियर सजनों तैयार हो जाइए, गायब। अरे ये जादू है अपना, ये इसको साइड में करो। ये रहा अपना सेटअप, क्या मतलब इस पर धूल लगी है? धूल नहीं है ये ना, अरे ये है क्या मतलब, ये खाली है? नहीं है, खाली नहीं है, क्या मतलब वो
वो स्टिकर है नहीं, वो स्टिकर भी नहीं है, देखते रहो भाई साहब तुम। अभी दिखाने वाले दुनिया का सबसे महंगा सीपीयू, इस साइड से नहीं, सॉरी यहाँ थोड़ा इस साइड से, वो धूल नहीं है, वो है डिजाइन। यह एंटी मैटर स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला सबसे महंगा कैबिनेट जिसकी कीमत तुम सुन भी नहीं सकते। और यहाँ से इसका दिखा देते फ्रंट भाई साहब, ये देखो ये है एंग्री बर्ड, किस एंगल से, इस एंगल से। तुमने खोखा तो देख लिया, इसका खोखा गया भाड़ में। इसके अंदर का मैं जब सिस्टम दिखाने वाला हूँ ना, तुम्हें देख के बौखला जाओगे कसम से। ये खुलता कहाँ से है मेरे को नहीं पता, इतनी हाई क्वालिटी है ना भाई, इतनी हाई पैकिंग। क्या मतलब ये टूटा हुआ है? नहीं ये टूटा हुआ ही नहीं है, ये ऐसे वीडियो बंद करियो भाई, एक बार वीडियो बंद करो। तो कड़ी मेहनत के बाद ने हमने इसका वो ढूंढ लिया जहाँ से खुलेगा। और ये एंटी मैटर स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाली टीम का लोगो है, ये थोड़ा है हाई क्वालिटी लोगो है, तुम सारे ऊपर से जाएगा। और जहाँ से अब हम खोलने वाले हैं और इसके अंदर दिखाने वाले हैं क्या है इसके अंदर, पहले मैं बता देता हूँ, इसके अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा GTX 1490। ठीक है, अब तुम देखने के लिए तैयार हो जो राइजन 15 का प्रोसेसर है भाई इसके अंदर, देख के चुंधिया मत जाना कसम से तुम। और अभी खुलने वाला है, क्या तुम एक्साइटेड हो? सब्सक्राइब कर दो अभी की अभी अगर नहीं किया है तो। इसको खोलने वाले अंदर भाई सब चुंधिया मत जाना तुम, कसम से बता रहा हूँ। और ये ओह माय गॉड, इसके अंदर ये इसको बाद में दिखा देना, ये थोड़ा था, ये प्रॉप था। ये देखो भाई साहब, ये नंबर मैं नहीं पता किसका है अभी देख सकते हो तो। ये है भाई साहब इंटेल की साइड आने वाला सबसे महंगा वाला फैन, इसकी रफ्तार देखोगे ना बौखला जाओगे भाई तुम, फ्लैश से भी बहुत ज़्यादा तेज घूमता है ये। और इसके अंदर भाई साहब ये देखो, ये है रैम स्टिक्स के कॉर्नर इसके अंदर, नहीं सॉरी ये है रैम स्टिक के कॉर्नर, इसके अंदर डुअल रैम लगी हुई है, 89 GB की एक रैम है और दोनों मिला के 500 GB की रैम हो जाती है, पूछना मत कैसे हो जाती है बस। और दुनिया का सबसे महंगा मदरबोर्ड इसके अंदर 59T78 मदरबोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर, भूल जाओ तुम्हारे सर के परे है भाई बिल्कुल। और ये केबल मैनेजमेंट देख के तो तुम लिटरली बौखला जाने वाले हो, क्योंकि इतना अच्छा केबल मैनेजमेंट है ना, यहाँ से केबल निकल के यहाँ घुस रही है, देखा ऐसा कहीं नहीं लोगों के अंदर से, ऐसे सांप की तरह जाती है, इसमें सांप नहीं स्ट्रेट आई स्ट्रेट घुस गई। दी बेस्ट आज तक का कैबिनेट का ये वायर का कनेक्शन है अंदर घुसने वाले हैं। तो ये देखो वहाँ पे थोड़े चूहे भी मैंने रेंट पे दे रखे हैं, वो भी मतलब मेरे को अच्छा खासा दे देते हैं, महीने की पर इनकम है मेरी बहुत भयंकर है, तुम सोच भी नहीं सकते। जैसा मैंने तुम्हें 2 मिनट पहले बताया था कि मैं गरीब हूँ ना, हाँ तो बस वही वाला सीन है। और यहाँ पे भाई ये देखो, ये इसके ऊपर डेट बता देता हूँ मैं, ये लिखी हुई है 22/1/2011 दिख रहा होगा तुम्हें, नहीं ये 3011, ये भाई फ्यूचर से मंगवाया था मैंने स्पेशली, इंटेल का सबसे महंगा जो क्या कहते हैं इसको कुछ तो होता है, हाँ पावर सप्लाई, सबसे महंगी पावर सप्लाई इंटेल की आज तक की। कीमत मैं तुम्हें एंड में बता दूंगा सबकी, और कुछ इसके अंदर देखने लायक है ही नहीं बस। और अभी इसका ये जो सबसे महंगा इसका कैबिनेट है इसको बंद कर देंगे। RGB ना है भाई साहब, यो सब तक भयंकर सेटअप, ये एंटीमैटर गया भाड़ में। अब आते हैं हमारे मॉनिटर के ऊपर, तो मॉनिटर है ही नहीं हमारे पास, देखो मॉनिटर की हमें जरूरत ही नहीं है, अपना फोन है ना ये, इसको मैं अटैच कर देता हूँ USB केबल से और यही मेरा मॉनिटर बन जाता है, एक नंबर का मॉनिटर। तो इसको क्या ही दिखाऊं, ये तो ये है कुछ यार 70 लाख का था, जाने दो इसको। मॉनिटर नहीं अपने पास, यही है मॉनिटर, और स्पीकर भी नहीं है भाई, इसी के अंदर से आवाज आती है। और माइक है ही नहीं, गरीब है यार, माइक तो है नहीं, क्या कर सकते हैं, माइक है नहीं, सब्सक्राइब तुम करते हो नहीं, क्या करें। अभी देखा तुमने दुनिया का सबसे महंगा सेटअप, अब ज्यादा टाइम पास किए बिना बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। तो इसकी कीमत ज्यादा कुछ नहीं, मात्र 1000 करोड़ US डॉलर्स है। अब तुम सोचोगे इतना सस्ता, हाँ तो भाई इतना ही सस्ता लिया मैंने, क्योंकि इसका जो महंगा वाला वेरिएंट था ना वो अभी तक जो था फ्यूचर से आया नहीं था, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिलहाल मेरे पास यही है। अगर मैंने इसको असेंबल कर दिया तो भाई यूट्यूब कंपनी खत्म हो जाएगी और इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री नहीं, पूरी दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, इसलिए इसको मैंने कोने के अंदर संभाल के रख रखा है। अगर तुम बोलोगे तो इसको भी सेटअप कर दिया जाएगा तुम्हारे लिए, मैं यूट्यूब खत्म करने को तैयार बैठा हूँ, बस एक सब्सक्राइब बटन दबा दो। और अब बात आती है अपने बिल्कुल एंड के बात पे, जो मैंने शुरू में कही थी, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ थैंक यू। वैसे ये मस्त लग रहा है इधर, हालांकि रिकॉर्ड नहीं कर रहा है बट फिर भी मस्त लग रहा है, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लिटरली मैं सो रहा था बतखों की तरह और सुबह उठा भी कुछ बतख की तरह, मैं 12 बजे उठा लिटरली, वाह मेरे एग्जाम आ रहे हैं 20 तारीख सर, मैं 12 बजे उठ रहा हूँ, पढ़ाई तो कद्दू नहीं होती हमसे। मेन बात पे आते हैं हमारे, भूल गया मैं मेन बात बंद करो इसको, भूल गया।
तो हमारी मेन बात ये थी कि हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, थैंक टू यू। हमें कह रहा था ना कद्दू की तरह उठा, तो भाई मैं उठा, मैं उपासिया मार रहा था, एकदम से मैंने अपना स्टूडियो खोल के देखा और उस पर 502 सब्सक्राइबर्स थे। फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम खोल के देखा जो तुम्हें आज तक दिया नहीं है, और जो मेरा रियल आईडी बंद भी पड़ी है तुम सबको पता है, लेकिन मैं जुगाड़ पानी अपने पास थोड़े बहुत, तो उस पर कुछ मेंशंस थे मेरे भाइयों की तरफ से, थैंक यू सो मच उनको। जो सबसे पहला मेंशन था वो था अक्की भाई की तरफ से, अक्की जानरा, थैंक यू सो मच, लव यू ब्रदर। तो अपने 502 अभी कंप्लीट हो चुके हैं, थैंक यू सो मच। ऐसा था कि जो 1000 का जो था ना रास्ता, वो आगे की जो मंजिल थी वो दिखती नहीं थी, आज हमने आधा रास्ता तय कर लिया है। ऐसा है धुंधली धुंधली, अब हमें थोड़ी थोड़ी मंजिल दिखने लगी है, एक दिन वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बस तुम सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जाते जाते सब्सक्राइब मार के जाना, और रियल सेटअप वीडियो भी आएगी तब 1000 हो जाएंगे, सेटअप आएगी तो मैं मिलता हूँ तुम्हें उस टाइम पे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, थैंक यू सो मच, अलविदा, बाय, पीस आउट।